हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 9 की जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है इसकी चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है कि इन ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड एट ए, एल इज द पॉइंट ऑन बी सी सच दैट ए एल इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी, देन प्रूव दैट एंगल बी ए एल इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। ओके, तो फर्स्टली तो हम लोग यहाँ पे फिगर ड्रॉ करते हैं जो क्वेश्चन में गिवन है इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमने एक ट्राइंगल बना लिया। अब इसमें क्या कहा गया है कि इन ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड एट ए, इट मीन्स यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये ए है, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ठीक है, L इज़ द पॉइंट ऑन बी सी। अब यहाँ पे L इस तरीके से है कि ए एल इज़ परपेंडिकुलर ऑन बी सी, यानी कि L जो है एक पॉइंट है बी सी पे। ठीक है, और साथ में ही ए एल जो है ये परपेंडिकुलर यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, एंड दिस इज़ द पॉइंट L। तो हमें प्रूव कराना है कि एंगल बी ए एल, बी ए एल मीन्स दिस एंगल, दिस एंगल is equal to angle ACB, ACB, ठीक है, इस एंगल के इक्वल है। ये चीज़ हम लोग को प्रूव करानी है। ओके, तो फर्स्टली तो यहाँ पे गिवन क्या है लिख लेते हैं कि गिवन है कि इन ट्राइंगल ABC एंगल A is equal to 90 degree एंड AL is perpendicular on BC, then to prove that angle BAL is equal to angle ACB, proof in triangle ABC में angle A हमें 90 degree का given है, तो it means कि angle B and angle C का sum जो होगा वो 90 डिग्री के इक्वल होगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्टली कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज दैट कि एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे हमें एंगल ए 90 डिग्री का गिवन है। एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो हमने एज्यूम कर लिया कि दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो यहाँ पे अब देखिए कि अगर हम ट्राइंगल लेते हैं ए बी एल वाला ट्राइंगल, तो ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम इसको अलग से इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे ये एल पॉइंट है, ये एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है एंड दिस विल बी इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं कि इन ट्राइंगल ए बी एल एंगल बी प्लस एंगल कौन सा बी ए एल, ये बी पॉइंट है ये ए पॉइंट है। ठीक है, तो बी ए एल, बी ए एल इज इक्वल टू, तो यहाँ पे ये वाला एंगल कौन सा है, ए एल सी वाला एंगल है। ठीक है, एंगल ए एल सी, और यहाँ पे रीज़न क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हमने ये चीज़ कही है। ओके, सो दिस इम्प्लाइज दैट कि एंगल बी प्लस एंगल बी ए एल इज इक्वल टू, या भी क्योंकि ये हमें परपेंडिकुलर यहाँ पे गिवन था। ठीक है, कि ए एल इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी, इट मीन्स ये 90 डिग्री का हुआ, तो यहाँ पे ए एल सी की जगह पे हम 90 डिग्री एंगल पुट कर सकते हैं। ओके, और इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू हमें क्या रिजल्ट मिला है कि एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल बी ए एल,
ये चीज़ हम लोगों ने क्यों लिखी, बिकॉज देखिए यहाँ पे भी इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री है एंड यहाँ पे भी इन दोनों का सम 90 डिग्री है, और क्योंकि RHS दोनों के इक्वल हैं, दोनों की वैल्यू सेम है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे LHS भी दोनों के इक्वल होंगे। ओके, तो यहाँ पे एंगल B दोनों ही साइड में है तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। ओके, और हमें रिजल्ट क्या मिलेगा कि एंगल C इज़ इक्वल टू एंगल BAL, और एंगल C को हम क्या ले सकते हैं, एंगल ACB। ठीक है, चाहे हम इसको एंगल C कहें, यहाँ हम एंगल ACB कहें या BCA कहें, बात एक ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो हमें गिवन है कि एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल BAL। ओके, और यही चीज़ हमें प्रूफ करानी थी, सो हेंस प्रूफ्ड। क्वेश्चन 10 में गिवन है कि टू लाइंस आर रिस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर टू टू पैरेलल लाइंस, शो दैट दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, यहाँ पे हमें टू पैरेलल लाइंस गिवन है, तो फर्स्टली हम पैरेलल लाइंस यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज दिस इज एल एंड दिस इज एम लाइंस। फिर क्या कहा गया है कि टू लाइंस आर रिस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर टू टू पैरेलल लाइंस। अब यहाँ पे टू लाइंस जो हैं परपेंडिकुलर हैं, सपोज हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ये परपेंडिकुलर लाइन है, और हमने एक इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है इस तरीके से। अब इसको नेमिंग कर लेते हैं, सपोज ये पी है एंड दिस इज क्यू। ठीक है, तो ये हमें परपेंडिकुलर्स गिवन है, ये P जो है L पे परपेंडिकुलर है एंड Q जो है वो M पे परपेंडिकुलर है, तो शो दैट दे आर पैरेलल टू ईच अदर। हमें क्या प्रूफ कराना है कि P जो है वो Q के पैरेलल है। ओके, तो फर्स्टली यहाँ पे गिवन क्या है लिख लेते हैं कि गिवन L इज पैरेलल टू M एंड P इज परपेंडिकुलर ऑन L एंड Q इज परपेंडिकुलर ऑन M। तो टू प्रूफ या शो करना है कि दे आर पैरेलल टू ईच अदर, दैट पी इज पैरेलल टू क्यू। ठीक है, तो इसकी प्रूविंग समझते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर हम इसी लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर ले इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पे हमने इस एंगल की नेमिंग कर ली, सपोज दिस इज एंगल वन एंड दिस इज एंगल टू एंड दिस इज एंगल थ्री। ओके, तो यहाँ पे क्योंकि L जो है वो M के पैरेलल है एंड ये लाइन जो है ट्रांसवर्सल है, L जो है वो M के पैरेलल हमें यहाँ पे गिवन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो इट मीन्स यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये इस एंगल के इक्वल होगा, बिकॉज ये कैसे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एंगल वन is equal to angle 2 because L is parallel to M। okay, और ये कैसे angles हैं, because these are corresponding angles। ठीक है, तो यहाँ पे angle 2 की value क्योंकि 90 degree की given है, क्योंकि यहाँ पे Q जो है वो perpendicular है M पे, है ना, तो हम लिख सकते हैं कि this implies that कि angle 1 is equal to angle 2 is equal to 90 degree, because यहाँ पे angle 2 is equal to 90 degree ये यहाँ पे given था। ओके, या यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि Q is perpendicular on M, ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इससे हमें रिजल्ट क्या मिला कि एंगल वन इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल वन की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री के इक्वल है। ओके, अब यहाँ पे ये भी एंगल जो है, जो एंगल थ्री है ये क्या है, ये भी 90 डिग्री का है, बिकॉज यहाँ पे पी भी जो है वो एल पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि बिकॉज एंगल थ्री is equal to 90 degree, ये चीज़ हमने क्यों लिखी, because P is perpendicular on L, है ना। तो अगर हम angle 1 plus angle 3 करते हैं तो हमें result क्या मिल रहा है, 90 degree plus 90 degree, ये भी 90 का निकला है, ये भी 90 degree का है, so it means 180 degree।
ओके, सो दिस इम्प्लाइज दैट कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये कैसे एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं, ये इंटीरियर एंगल्स हैं ना, वो इंटीरियर एंगल्स हैं जिनका सम 180 डिग्री के इक्वल हमें मिल गया है. ओके, सो दिस इम्प्लाइज दैट पी जो है वो क्यू के पैरेलल है. दिस इम्प्लाइज दैट कि पी इज पैरेलल टू क्यू बिकॉज सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री. ओके, और यही चीज़ हमें प्रूफ करानी थी कि पी इज पैरेलल टू क्यू है. ठीक है, हेंस प्रूफ. आई होप ये दोनों ही क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे. अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.